हमारे YouTube चैनल एकता समाचार को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल के बटन को दबाए और नई नई खबरें देखें। धन्यवाद। जय गौ माता। नमस्ते सभी को। पुनर्वास कॉलोनी सी ब्लॉक से सभी बहनों ने राधा कृष्ण सत्संग मंडल की तरफ से गौ माता पर आई हुई इस आपदा को लेकर के और चिंतित थी बहुत ही, और हम अपनी तरफ से क्या प्रयास कर सकते थे, ये हम लोगों ने सामूहिक योजना बना करके और सभी ने मिलकर के ये पहल की है, जिसके अंतर्गत हमने आयुर्वेदिक औषधीय लड्डू बना करके और सभी हमारे ब्लॉक में और सागवाड़ा में जगह जगह पर जा करके इनको इस प्रकार के औषधीय लड्डू खिला रहे हैं। और हमसे जितनी भी सहायता हो सकती है गौ माता को लेकर के हम अपनी तरह से प्रयास सभी कर रहे हैं, और इसमें सभी सामूहिक आर्थिक व्यवस्था भी हमें प्राप्त हुई है, जिसके द्वारा हमने बाजरी और जौ का आटा मिक्स करा है, इसमें गिलोय का रस मिक्स किया है और गुड़ हमने लिया है इसमें देशी, इसके अलावा हमने सौंठ का पाउडर मिक्स किया है और इसमें बहुत सारे आयुर्वेदिक जैसे कि काली मिर्च है, लौंग है और धनिया पाउडर है, और हल्दी का तो इसमें बहुत ही महत्व है क्योंकि वो एक तरीके से हमारे है ना इम्यूनिटी सिस्टम को बिल्डअप करती है। और पूरी तरीके से ये आयुर्वेदिक लड्डू बना करके और सभी बहनें मिल करके इतने उत्साहपूर्वक और भजन कीर्तन करते हुए इतने प्रेम से ये लड्डू बना रहे हैं, जिससे मैं आशा करती हूँ कि जिस उत्साह और जिस एनर्जी से ये लड्डू बना रहे हैं, इसी एनर्जी से गाय माता जल्दी से जल्दी स्वस्थ भी हो जाए और फिर हमारे आंगन में गुड़ और रोटी खाने के लिए खिलखिलाती हुई आए। धन्यवाद। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटा सा मेरो मदन गोपाल, छोटा सा मेरो मदन गोपाल, गाय खाए गैया दूध पिएगा, घर घर पहल चलानी है, गौ माता को बचाना है, घर घर पहल चलानी है, गौ माता को बचाना है, घर घर पहल चलानी है, गौ माता को बचाना है, गौ माता की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सर बताइए, आज हमारे सागवाड़ा नगर की बहनों ने और आपके वार्ड वासियों ने जो पहल की है, इससे सबको प्रेरणा लेना चाहिए। आज हम एकता समाचार के माध्यम से इनको साधुवाद देते हैं, धन्यवाद अर्पित करते हैं, जो गौ माता के लिए इन्होंने इनकी सुरक्षा के लिए जो पहल की। सर बताइए। सबसे पहले तो मैं आपकी एकता समाचार चैनल को धन्यवाद देता हूं कि आप गली गली गांव गांव घूम करके गौ माता के बचाव के लिए, गौ माता की रक्षा के लिए अपने न्यूज़ चैनल को समर्पित कर रखा है, इसके लिए मैं आपको सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ। मैं भगवतीलाल पंचाल, जिला गौ सेवा समिति का संगठन मंत्री हूँ। मैं विगत साल भर से मेरा उद्देश्य गौ माता के लिए पूर्ण रूप से समर्पण का रहा है, और देवीय आपदा कहो या प्राकृतिक आपदा कहो, हमारी गौ माता, हमारी संस्कृति, हमारे धर्म पर ये जो लंपी नाम का जो वायरस आया है और हमारी कई गौ माताएं काल ग्रसित हो गई है, पहले तो मैं इन सभी गौ माताओं के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उन सभी गौ माताओं को गोलोक में वास दे, उनका स्थान दे। मैं डूंगरपुर ज़िले और ख़ास करके वागड़ के सभी संगठनों से, सभी गोपालकों से, सभी कृषकों से अपील करता हूं कि जो गौ माताएं हमारी खूटे से बंधी रहती थी और आप लोग सेवा करते थे,
आज वो गौ माताएं बेसहारा सड़कों पर भूखी प्यासी घूम रही है और जिससे ये वायरस एक दूसरे से संपर्क में आने से बढ़ रहा है। तो सबसे पहले मेरा एक अनुरोध है कि जो भी मेरे इस निवेदन को सुन रहे हैं वो अपनी गौ माताओं को अपने घर पे, अपने बाड़े में, अपने खेतों में ले जा करके बांधे और इस बीमारी से दूर रखें। जो गौ माताएं इस लंबी बीमारी से ग्रसित हो चुकी है उनके लिए हमारे जैसे कि वागड़ के कई संगठन, कई गौशालाओं के संचालक इसमें पूर्ण रूप से सहयोग कर रहे हैं, समर्पित हो रहे हैं। जैसे राधा कृष्ण गौशाला के वीरेंद्र सिंह जी को मैं साधुवाद दूंगा, जो अपना दिव्यांग होते हुए भी अपने को गौ माताओं के प्रति पूर्ण समर्पित कर रखा है और एक बहुत बड़ा बीड़ा उठाया आपने, तो ऐसे वीरों को मैं नमन करता हूं। साथ ही हमारे सागवाड़ा के सन्मति गौशाला के भाई श्री हितेश जी भोई और अजय बूज और उनके जो भी साथी हैं गोरक्षा दल के, उन्होंने भी बहुत बड़ा बीड़ा उठा करके गौ माताओं के लिए आयुर्वेदिक दवाएं, आयुर्वेदिक लड्डू और भी सभी प्रकार के जो ग्रसित लंपी बीमारी से ग्रसित गौ माता है उनकी सेवा में दिन रात लगे हुए हैं। उन सबको मैं साधुवाद देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आपको हर जीवन, आपका जीवन सुखमय हो, क्योंकि आप ऐसे सेवा कार्य में लगे हुए हो। जो भी गोरक्षक दल के साथी है उनसे, भगवान से मैं प्रार्थना करता हूं कि आप सुखी जीवन जिए और इस प्रकार की सेवा में आपका जीवन लगा रहे। साथ ही गांव सरोदा से भी कई माता बहनों ने लड्डू बना करके, आयुर्वेदिक लड्डू बना करके गौ माताओं के लिए जो है वो सेवा का कार्य कर रही रहे। साथ ही कराड़ा ग्राम पंचायत वासियों ने बड़े स्तर पर आयुर्वेदिक लड्डुओं का निर्माण कर गौ माताओं के लिए पुनित कार्य किया जा रहा है। बनकोड़ा से भाई श्री चंद्रेश जी भावसार और उनकी पूरी टीम, उनके बनकोड़ा के सरपंच साहब और उनका नवयुग मंडल, आप सभी लोग बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। मैं डूंगरपुर बांसवाड़ा जिले के सभी गौ रक्षक दलों से, गौ भक्तों से, गौ सेवियों से, माताओं से यही निवेदन करता हूँ कि अपना आंशिक तन मन और आंशिक धन दे करके समर्पण भाव से गौ माता की रक्षा में आगे आवे और गौ माता की रक्षा होगी, गाय बचेगी तो देश बचेगा, देश बचेगा तो धर्म बचेगा, धर्म बचेगा तो हम बचेंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि गौ माता के लिए आप सभी अपना जो भी योगदान कर सके करें। आज हमारी सड़क गौ माताएं सड़कों पर तड़प तड़प करके मर रही है, इसलिए मेरा पुनः निवेदन करता हूं कि आप गौ माता के लिए अपना योगदान देवे। जय गौ माता, जय गोपाला। है पड़ोसी है और वो भी इस गौ माता के लिए बहुत चिंतित हैं और वो भी चाहते हैं कि गौ माता ठीक हो जाए, और वो भी ये जो हमारी सी ब्लॉक की बहनें जो ये आयुर्वेदिक लड्डू बना रही है दूसरी बार, उनके सहयोग के लिए ये भी आगे आकर के तत्पर है और पूर्ण रूप से अपना आशीर्वाद, पूर्ण रूप से उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। जय गौ माता। गौ माता ने मारो नमस्कार है मारा तरफ थको। गौ माता ने को एनी बीमारी सब दूर थी जाजू, ने गौ माता ने सहायता ली देजू। भगवान सर्वे देवता ने सब ने मारो नमस्कार है। ये हमारे 90 साल के माता जी ने भी गौ माता के लिए दुआएं की है, प्रार्थना की है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि गौ माता जल्दी ही स्वस्थ हो जाए। गौ माता की जय। गौ माता की जय। गौ माता की सुरक्षा के लिए ये लंपी बीमारी जो जागृत हुई हुई है उस जागृति के लिए हमारी जो ये माता बहने हैं उन्होंने सबने मिलकर राधा कृष्ण सत्संग मंडल से हमको ये सबने सुझाव दिया कि हमें गौ माता की बीमारी के लिए हमें आगे बढ़कर क्या करना चाहिए। तो फिर हमको पता चला धीरे धीरे कि ये लड्डू बनाने चाहिए, ये लड्डू में हमको क्या क्या सामग्री चाहिए, इसे हमने और दूसरे लोगों से पता किया और हमने फिर ये सामग्री एकत्रित की और हमारी ये माता बहनों ने मिलकर और हमने ये लड्डू बनाए। और हमारी गौ माता को बचाने के लिए और भी कुछ भी करना पड़े तो उसके लिए हम परस्पर सहयोग देंगे। जो गौ माता की जय। हमारी बहनों ने, आपने सबने मिलके जो एक इतिहास बनाया हमारे सागवाड़ा डूंगरपुर जिले का, पूरे राजस्थान के अंदर,
तो बहना बताइए ये जो पहल कहाँ से जाएगी आपके? हमारी पहल हमारे हर एकादशी के दिन हमारी भजन मंडली होती है, सत्संग रखते हैं हमारे पंचदेव मंदिर में। वहीं से हमारे गायों को देख के मिलन हुआ, देखा तब हमको लगा कि गायों की सेवा करनी चाहिए। इस तभी से हमारा जुट गया। एक बार पहले बना चुके हैं हम, ये दूसरी बार बना रहे हैं हम। दोबारा बनाना पड़े तो भी बनाएंगे। हमारे भी जीजा है, जीजा बताइए। हाँ, सब ने मिल के हमारी ये लप्पी बीमारी हुई है, इसके कारण ये सब गौ माता के लिए दवाई, आयुर्वेदिक दवाई हमने सब ने मिल के भी कहा कि चलो। कब तक रहेगा ये? जब तक बीमारी है, बंद नहीं, खत्म नहीं होगी तब तक हम करेंगे। हमारा घर का हम चंदा अंदा जो करेंगे, घर का खर्चा करके भी हम करेंगे। बोले नहीं भाभी जी, लो दो शब्द आप भी बोल दो। भगवान पंचदेव मंदिर को हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे गौ माता को सबको स्वस्थ रखे और सबको जो बीमारी हुई है वो स्वस्थ कर दे। जितना भी प्रयास हो सके हम सब माता बहने मिलकर करेंगे और इस बीमारी को जड़ से खत्म करने की कोशिश जारी रहेगी हमेशा। गौ माता एक असहनीय मतलब पशु है, उसको बोल नहीं सकती है, वो बेजुबान है, वो उसके लिए वो असहनीय, वो दर्द पीड़ा सहन नहीं कर सकती है। हम इंसान तो अपन दर्द करके व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन गौ माता व्यक्त नहीं कर सकती है। उनकी बीमारी को दूर करने के लिए हम बहनों ने ये मिल के उनके लिए पोषाहार तैयार किया है। जय गौ माता। आदिकाल से ही हमारी सनातन संस्कृति गौ माता की पूजा करती आ रही है। ये माता बहनें बौर चौथ का व्रत रखती हैं, जिसमें गाय और बछड़े की पूजा की जाती है। प्राचीन काल से ही हमारे ऋषि मुनियों के आश्रमों में बहुत सारी गायों को पाला जाता था। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी संदीपनी मुनि के आश्रम में गौ पालन का कार्य किया था, सुदामा उनके साथ थे। तब से लेकर हमारी सनातन संस्कृति में गौ का बहुत ही महत्व है। एक बड़ी महामारी से तो हम पार नहीं पड़े थे कोरोना के रूप में, आज भी आंशिक रूप से कोरोना मौजूद है और उससे अभी उबर भी नहीं पाए कि यह दूसरा गौ माता के लिए बहुत ही हानिकारक लंपी वायरस आ गया। जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, उस तरफ की जो हमारे सामने दृश्य उपस्थित हुए, देखकर हमारा हृदय है वो बिल्कुल फट जाता है। एक तरह से आँखों से हम वो दृश्य देख नहीं सकते। गायों के पूरे ट्रकों के भर भर के खुले में फेंक दी गई गाय गौ माता को हमारी। आज गौ माता एक ऐसा पशु तो नहीं कहूँगा, हमारी माँ है वो। उनका एक एक अंग काम में आता है, वो हमारे लिए सिर्फ देने का काम करती है, हमसे लेने का काम कभी नहीं करती है। जब यह सुनने में आता है कि चौराहों पे गौ को काट दिया जाता है, गौओं की हत्या की जाती है, कत्ल खाने में उनको जिंदा का जिंदा भेज दिया जाता है, तब हमारा जो हमारी संस्कृति है उस पर कुठाराघात होता है और हमारी संस्कृति को बहुत बड़ी ठेस लगती है। आज ये लंपी वायरस के कारण हम पूरे देश को चपेटे में पा रहे हैं, तो सब ने मन में ठान लिया है, खास करके माता बहनें इस तरह से हौसला लिए हुए हैं। इन्होंने अपनी कड़े परिश्रम के द्वारा इतनी भीषण गर्मी में भी गर्मी की परवाह नहीं की है और सब ने इकट्ठा होकर गौ माता की रक्षा के लिए अपना पूरा प्रयास कर रही हैं। आज ये जो प्रसाद बनाया गया है, गौग्रास बनाया गया है लड्डू के रूप में, वो सभी गायों को खिलाया जाएगा, चाहे वो वायरल से प्रभावित हो चाहे नहीं हो। हमारा उद्देश्य एक बछड़े से लेके कितनी भी बड़ी गौ माता हो, उन सबको बचाने का हमारा प्रयास रहेगा। आज भारतीय संस्कृति में गौ की बहुत ही मान्यता है। स्वयं भगवान अगर गायों को चरा सकते हैं तो हमको ये समझना चाहिए कि हमारा क्या दायित्व है। आज वागड़ में पूरी जागरूकता आ चुकी है। मैं सभी पशु चिकित्सकों को भी निवेदन करना चाहूँगा कि इस पावन यज्ञ में अपनी आहुतियाँ भी दें, थोड़ी मेहनत बढ़ाएं और गौ माताओं की जितनी रक्षा कर सकते हैं करें। और इन बहनों की इस मेहनत से मैं सभी को अपील करना चाहता हूँ कि जितने भी गौ पालक हैं, गौ रक्षक हैं, जो रात और दिन नहीं देखते हैं और गायों को
जहाँ भी देखते हैं उनको बचाने का प्रयास करते हैं, उनकी सुरक्षा करने का प्रयास करते हैं। आज आप रात को निकल जाओ तो सड़कों पे आप दृश्य देख नहीं सकते, इतने पशु हमारे सड़कों पे बैठे हुए पाए जाते हैं। मैं नगर पालिका वालों को भी कहना चाहूँगा कि जो भी इन पशुओं के लिए आप योगदान दे सकते हैं आपको देना चाहिए। और वागड़ में सभी गाँवों में ये जागरूकता आ चुकी है, लंपी वायरस को यहाँ आने से पहले ही हम रोकने का प्रयास कर रहे हैं। अभी वागड़ में इस वायरस की एंट्री बिल्कुल आंशिक रूप से हुई है, अभी फैला तो नहीं है, और उससे पहले ही ये जागरूकता जो आ गई है इससे मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम इस वायरस को काबू में कर लेंगे और हमारी संपूर्ण गौ माता को एक बछड़े, छोटे बछड़े से लेके चाहे कितना भी झुंड का झुंड क्यों नहीं हो, हम पूरे वागड़वासी ये संकल्प लेते हैं कि हम गौ माता की रक्षा के लिए जो भी बन सकेगा प्रयास करेंगे। और मैं जितने भी इस समय इस चैनल को देख रहे हैं उन सभी भाई बहनों से भी कहूँगा, आप भी ऐसी मुहिम छेड़िए, अपने मोहल्ले की माँ बहनों से निवेदन कीजिए, उनको सामग्री उपलब्ध करवाइए, गौ माता के लिए दान पुण्य जो भी कर सकते हो करिए। और ऐसे ऐसे आयोजन करके जो ये लड्डू आज यहाँ पर दिख रहे हैं आपको, इससे भी कई गुना की संख्या में आप लड्डू बनाइए और जहाँ भी आपको गौ माता या बछड़ा नजर आए आप उनको खिलाइए और उनकी रक्षा कीजिए। गौ माता की जय, गौ माता की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। नमस्कार और धन्यवाद। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये लड्डू जो बनाए हैं सभी बहनों ने मिलके, इन लड्डुओं को हर जगह यानी सागवाड़ा परिक्षेत्र में जहाँ भी ये गायें दिखेंगी, चाहे गायों को वायरस है या चाहे नहीं है, उन सभी को हम ये एक एक लड्डू खिलाएंगे। जो संक्रमित गायें हैं उनको दो लड्डू खिलाए जाएंगे। हाँ, रोटी भी रोटी के साथ खिलाएंगे हम इनको। अकेला लड्डू तो खाएंगी नहीं गायें, लेकिन रोटी के साथ उनको हम खिलाएंगे और संक्रमण से हम उनको निजात दिलाएंगे। और हमारा यही लक्ष्य है कि हम इन गायों को ये लंपी वायरस को मुक्त कराएंगे और मुक्त करा के ही छोड़ेंगे। बस हमारा यही लक्ष्य है। बिल्कुल। जय श्री कृष्ण था।